हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 के कुछ और अपडेट्स के ऊपर। जानेंगे कि रिसेंटली कौन कौन से स्टेट्स की नोटिफिकेशन आई और कौन कौन से स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। इन शॉर्ट मैं बताऊं तो उन स्टेट्स की क्या क्या स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है और राउंड वन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। दो स्टेट्स की रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है, एक वेस्ट बंगाल की और दूसरी उत्तर प्रदेश की। तो वेस्ट बंगाल की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन काउंसलिंग 23 मार्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो 23 मार्च 2020 से स्टार्ट होने वाली है और आखिरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30th ऑफ मार्च 2020 रखी गई है। इस बीच आप सभी स्टूडेंट्स जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और यूपी की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं उन्हें इस बीच ही अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upneet.gov.in जो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें अपनी सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर तक अगर देखें तो सिक्योरिटी अमाउंट डीडी के तौर पर ऑफलाइन जाकर के सबमिट किए जाते थे नोडल सेंटर्स पे, मगर इस बार जो सिक्योरिटी अमाउंट है यूपी के लिए वो ऑनलाइन ही पेमेंट की जा रही है और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की जो डेट दी गई है वो है 23rd ऑफ मार्च से आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो और जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो है 3rd ऑफ अप्रैल 2020। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सिर्फ 30,000 की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 2,00,000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट ऑनलाइन पे करनी होगी। तो इस बात को देख लें, सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद यूपी स्टेट अपनी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेगी और स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट दी गई है 31st ऑफ मार्च 2020 के दिन स्टेट मेरिट लिस्ट यूपी की जारी कर दी जाएगी। स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद चॉइस फिलिंग आएगी और चॉइस फिलिंग करने के लिए जो डेट्स दी गई है, चॉइस फिलिंग का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे कि आपको अपने कॉलेजेस को चॉइसेस को ऑर्डर में सेट करना है, सिलेक्ट करना है। तो वो जो चॉइस फिलिंग है उसकी डेट्स दी गई है 7th ऑफ अप्रैल से लेकर के 9th ऑफ अप्रैल 2020 तक, जिस बीच आपकी चॉइस फिलिंग होगी जब आपको ऑनलाइन लॉग इन करके अपने चॉइसेस को फिल करने होंगे और लॉक करने होंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद के जो प्रोसेस है जो स्टेप है वो है रिजल्ट। यूपी स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट 10th ऑफ अप्रैल से 11th ऑफ अप्रैल के बीच पब्लिश कर दी जाएगी और रिजल्ट आने के बाद आपको राउंड वन काउंसलिंग में जो भी सीट मिलती है उस सीट पर जाकर के रिपोर्टिंग करनी होती है, उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होती है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। तो एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने की जो डेट है या आप कह सकते हैं कि कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की जो डेट है, जो भी आपको सीट मिली उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेने की जो डेट है वो 13th ऑफ अप्रैल से लेकर के 18th ऑफ अप्रैल 2020 है। 18th ऑफ अप्रैल 2020 एडमिशन लेने की लास्ट डेट है जब आपको रिपोर्टिंग 13th ऑफ अप्रैल से 18th ऑफ अप्रैल के बीच आपको जाकर के रिपोर्टिंग करनी है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। यहां जाकर के आपकी राउंड वन काउंसलिंग कंप्लीट होती है और इसके बाद राउंड टू काउंसलिंग स्टार्ट होगी। राउंड टू काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिन स्टूडेंट्स ने राउंड वन काउंसलिंग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होगी उन्हें राउंड टू को अटेंड करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस न्यू रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 16th ऑफ अप्रैल 2020 से 20th ऑफ अप्रैल 2020 जो राउंड टू की रजिस्ट्रेशन डेट है। जिन्होंने राउंड वन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी होगी उन्हें राउंड टू में फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 16th ऑफ अप्रैल से यूपी स्टेट की राउंड टू काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपीज, यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 30,000 रुपीज और यदि आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट या सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको 2,00,000 रुपीज की लगेगी। सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, इसके अलावा
आपको एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी लगता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस कहते हैं या जिसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 3,000 रुपीज, विच इज कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल। अगर आपको सीट मिले तब भी आपको वो वापस नहीं मिलेगी, और अगर आपको वो सीट नहीं मिलती है यूपी में तब भी वो आपको वापस नहीं की जाती। तो 3,000 रुपीज का नॉन रिफंडेबल अमाउंट वो आपको पे करना होता है, और ये उस टाइम में अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 33,000 या फिर 2,03,000 का अमाउंट आपको ऑनलाइन पे करना होता है। कोरोना वायरस की वजह से हर एक स्टेट की फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल की जा रही है। उसी प्रकार अब हमने देखा महाराष्ट्र की भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल की गई, साथ में अब जो यूपी स्टेट की देख रहे हैं तो यूपी की भी फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हर साल होती थी वो इस बार नहीं होगी। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी वो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आपको सीट मिल जाएगी काउंसलिंग के बाद, जब आपको सीट मिल जाएगी और आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए रिपोर्टिंग के टाइम में, उस टाइम में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था नोडल सेंटर पे, वो इस बार के लिए कैंसिल कर दी गई है। तो देयर इज नो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिस टाइम बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। अगली जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की भी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट, वेस्ट बंगाल के लिए जो भी स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है और वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, वो कॉलेज है केपीसी, जिसकी फीस जो है वो टोटल फीस है 53,50,000 रुपीज, जो आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है। यानी कि जब आप एडमिशन लेंगे उसी टाइम में आपको तीनों साल की फीस पे करनी होती है, और तीनों साल की फीस अगर आप कंबाइनली देखेंगे तो वो 53,50,000 रुपीज होती है। अगर आप वेस्ट बंगाल की इस ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट www.wbmcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 19th of March 2020, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 23rd of March 2020 रखी गई है। 23 तारीख से, 23rd of March 2020 से पहले पहले आपको अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल के लिए कंप्लीट करानी होगी, अदरवाइज आप अपनी रजिस्ट्रेशन फिर राउंड वन के लिए आप नहीं करवा पाओगे। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हालांकि हर एक स्टेट्स की कैंसिल की जा रही है, मगर वेस्ट बंगाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स दी गई है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स दी गई है वो है 25th of March 2020 से लेकर के 27th of March 2020। आई होप कि ये जो वेस्ट बंगाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, ये भी कैंसिल होती हुई दिख सकती है। हालांकि अभी इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स दी गई है, मगर आगे हो सकता है ये हमें देखने को मिले कि वेस्ट बंगाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कैंसिल हो सकती है इस कोरोना वायरस की वजह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद SML जारी की जाएगी, मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट वेस्ट बंगाल की जारी की जाएगी, और स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने की जो डेट दी गई है वो है 31st of March 2020, जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी सभी स्टूडेंट्स को, जिनके भी नाम उस स्टेट मेरिट लिस्ट में होंगे उन्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी, और चॉइस फिलिंग करने के लिए जो डेट दी गई है वो है 1st of April से लेकर के 3rd of April 2020। 1st of April से लेकर के 3rd of April के बीच आप अपनी वेस्ट बंगाल के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट आएगी, और रिजल्ट पब्लिश करने की जो डेट दी गई है वो है 7th of April 2020। रिजल्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी, और रिपोर्टिंग करने की जो डेट्स दी गई है वो 8th of April 2020 से लेकर के 11th of April 2020 तक रखी गई है। ये 3 दिन का समय दिया गया है, और रिपोर्टिंग के बाद यहाँ पे आपकी वेस्ट बंगाल की राउंड वन काउंसलिंग खत्म होगी, राउंड टू काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगी। वेस्ट बंगाल की जब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली है तो इसके साथ साथ इसकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट की भी बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अमाउंट है वो सिर्फ 3,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना होगा। सॉरी, अब जब इन दोनों स्टेट्स की हमने बात की, एक यूपी और दूसरी वेस्ट बंगाल, तो देख लेते हैं कि लमसम कट ऑफ कितने रैंक वाले स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए इन स्टेट्स में। हायर फीस यूपी में जो हायर फीस है
जैसे ऐदा वगैरह, ऐदा मेडिकल कॉलेज है या फिर जो अदर कॉलेज है जिनकी हायर फीस है उसके लिए जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज़्यादा लो जाती है, तो वैसे रैंक वैसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक लो आई है और वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भी यूपी के काउंसलिंग को अटेंड करनी चाहिए, और जो अप टू 35,000 रैंक जिनकी आई है वो अगर 20-25 लाख रुपए में क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं, 20 से 25 लाख रुपए के आसपास अगर वो चाहते हैं कि उन्हें अपर क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस मिले तो उन्हें भी यूपी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए और काउंसलिंग को अटेंड करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। रजिस्ट्रेशन यूपी की स्टार्ट हो चुकी है, काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो फ्रॉम 23rd ऑफ मार्च आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।